Good morning, guys. This is day 3 in Kerala, and we are going for breakfast, and then we'll start for Alleppey. So it is approx 3.5 hours from Munnar till Alleppey by road. So yes, see you guys there. हम 10 बजे निकले थे मुन्नार से और हम अभी 2:40 हो चुका है. इट टुक अस क्वाइट सम टाइम टू रीच ओवर हियर और एक्चुअली वी आर रनिंग 2 hours लेट बिकॉज जो ये बोट हाउस का क्रूज है वो 1 बजे शुरू होता है. बट इट लुक्स रियली नाइस. So finally we are moving all our luggages from cab to boat house क्योंकि हमारा night stay भी इसमें है. तो here is our boat. इसका नाम it's from river nest. Looks nice. Let's see how it goes. Oh, that's a double decker boat house. Okay. Foreigners in it. Kitna sundar view hai yaar. हाय गाइस, तो अभी हमारे भैया ने साइड में आके रोका है. यहाँ पे मार्केट है, नारियल पानी है, पीपल आर बाइंग फिशेज जिसे रात में नॉनवेज खाना है. तो इसमें वेज और नॉनवेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. और अलेप्पी इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस. बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे. और आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं. आप क्रूज़ भी कर सकते हो जो कि 4-5 hours का होता है, या फिर अगर आप चाहते हो, आप रुकना चाहते हो बोट पर, तो आप वो भी कर सकते हो. So we are paying 12,000 for 2 BHK and overnight stay. And you know the boat is like pretty big. उसमें 2 rooms हैं, काफ़ी clean है और उनकी service भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो it's a unique experience actually. यार पता है, visiting Kerala is very special for me because I remember when I was in class 12, I was reading one magazine और उसमें एक picture थी कि ऐसे एक बोट हाउस है और चारों तरफ ऐसे कोकोनट ट्रीज हैं. एंड दैट पिक्चर वाज यू नो कैप्चर्ड इन माय माइंड. आई वाज लाइक वाओ, अ प्लेस लाइक दैट कैन एग्जिस्ट. एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि फाइनली आई हैव गॉट द चांस टू बी हियर. सो आई वांट टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट यू नो एनी ट्रिप. इट्स जस्ट लाइक इट्स नॉट इवन द बकेट लिस्ट ऑफ माइंड. इट्स समथिंग लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. या इट्स ऑसम. Thank you.
और आयुष्मा कैसा लग रहा है, बोट चला रहे हो? बहुत मजा आ रही है यार। वन शॉट हियर। यार मैंने कार चलाई है, मैंने स्कूटी चलाई है, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बोट भी चलाऊंगी। मैंने काश मुझे हमेशा बोट चलानी पड़ती, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, ट्रैफिक भी नहीं है, इट्स फन। गियर का भी टेंशन नहीं है, ब्रेक का टेंशन नहीं है, एक्सेलरेटर का टेंशन नहीं है। एक्सेलरेटर है, नो ब्रेक, नो ब्रेक्स, ब्रेक नहीं दिया। सो आयुष्मा हमारे कैप्टन की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू भैया हमें सिखाने के लिए। थैंक यू कैप्टन। थैंक यू कैप्टन। इट्स 5:30 नाउ एंड आई थिंक आवर कैप्टन विल बी स्टॉपिंग द बोट बिकॉज 5:30 के बाद इट्स गवर्नमेंट से परमिशन नहीं है चलाने की। तो यस, हमारा स्टे आज बोट हाउस में ही है और हमारा डिनर भी यहीं पर है। हमारा चेकआउट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और हमने इसे इन्हें सब चीज़ों में 5 स्टार दिया गाइस, बिकॉज दे वर ट्रूली ट्रूली अमेजिंग एंड आई जस्ट लव दिस सर्विस एंड द सपोर्ट एंड द कोऑपरेशन दे हैव प्रोवाइडेड। सो इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। और रुकते टाइम मुझे बहुत सारे कंसर्न्स थे कि वेदर बोट हाउस पर रात को रुकना सेफ होगा या नहीं, बट ऑनेस्टली एटलीस्ट फॉर अस द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग गाइज। आई होप जितना मज़ा मुझे ये बोट चला के आया उतना ही मज़ा आपको ये वीडियो देखने में भी आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, अंटिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय।